विजयदशमी के अवसर पर भीटी में विशाल दंगल का आयोजन। वही विसर्जन के साथ मां दुर्गा को दी गई विदाई। उत्तर प्रदेश हंडिया तहसील क्षेत्र के भीटी में शुक्रवार को विजयदशमी के अवसर पर विशाल दंगल का आयोजन किया गया, जहां कुश्ती के दांव पेंच दिखाए। इस दौरान उपस्थित ग्राम प्रधान जयचंद बिंद ने अपने संबोधन में कहा कि खेलों में महत्वपूर्ण खेल दंगल है। कुश्ती करने से युवा शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है, जिससे युवाओं में खेल के प्रति जागरूकता बढ़े। इस दौरान डॉक्टर महेंद्र कुमार बिंद ने कहा कि खेल व कुश्ती हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने से न केवल शारीरिक व मानसिक विकास होता है, बल्कि सामाजिक विकास में भी काफी सहायक है। ऐसे कार्यक्रम में हिस्सा लेने से आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, साथ ही भावनाओं का भी विकास होता है। इस मौके पर सूर्यकांत मिश्र, राम निहोर बिंद, शिव श्याम बिंद, ओम प्रकाश बिंद, राम बहादुर बिंद, लक्ष्मी शंकर मौर्य, आनंद मौर्य, हरिश्चंद्र बिंद, नन्हेनलाल मौर्य, धर्मराज बिंद सहित भारी संख्या में दर्शक उपस्थित रहे। वहीं हड़िया कस्बे के क्षेत्र में लगभग 180 मूर्तियां हुई विसर्जन। सुरक्षा को देखते हुए काफी संख्या में पुलिस बल रही। बरौत क्षेत्र में दुर्गा मंदिरों समेत पूजा पंडालों में विधि विधान के साथ पूजा विसर्जन कर अश्रुपूरित ननों से मां दुर्गा को विदाई दी गई। इस दौरान सुरक्षा को देखते हुए काफी संख्या में पुलिस बल मौजूद रही। नवरात्र के 10वें दिन विजयदशमी को भक्तों ने दुर्गा माता को भावपूर्ण विदाई दी। कलश स्थापना के साथ 9 दिनों तक दुर्गा सहित अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों का श्रद्धा और भक्ति पूर्वक पूजा अर्चना के बाद नवरात्र के 10वें दिन क्षेत्र के विभिन्न पंडालों में स्थापित देवी देवताओं की मूर्तियों को नहर के पवित्र जल में प्रवाहित कर दिया गया। मां दुर्गा के परंपरा के अनुसार माता को विदाई दी गई। प्रतिमा विसर्जन में मां की जयकारा लगाते हुए श्रद्धालु डीजे बाजा के साथ शामिल हुए। पूर्वी सुरक्षा को देखते हुए एसीपी हंडिया कोतवाल ब्रिज किशोर गौतम, चौकी इंचार्ज सौरभ पांडे सहित समाजसेवी आलोक मोदनवाल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मौजूद रहे। वहीं बरौत कस्बा में विजयदशमी के अवसर पर विशाल मेले का आयोजन किया गया, जहां आयोजन सुरेश उर्फ कल्लू जायसवाल ने बताया कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी विशाल मेले का आयोजन किया गया है। मेले में काफी भीड़ को देखते हुए पुलिस कर्मियों अपने दलबल के साथ मौजूद रहे। इसी परंपरा के अनुसार हंडिया बरौत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा रायपुर में भी मां दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन करने के लिए रायपुर गांव में मां दुर्गा की दर्शन करते हुए विशाल रैलियों के साथ रायपुर गांव के नहर में विसर्जन किया गया। खास रिपोर्ट माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज से सुरेंद्र कुमार, हंडिया प्रयागराज।